हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस साइंस में थर्ड चैप्टर आपने किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, तो वो सभी की ही काफ़ी इम्पोर्टेंस है, चाहे वो मेटल्स हों चाहे वो नॉन मेटल्स हों। और हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो भी एक नॉन मेटल है। इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में ही स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। और कार्बन जो है एलिमेंटल फॉर्म में भी काफ़ी इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एलिमेंटल फॉर्म जो है डिफरेंट एलिमेंटल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और चाहे इसकी कंबाइंड फॉर्म है, कंबाइंड फॉर्म मींस कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड जो कि कार्बन के होते हैं, सभी हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस रखते हैं। एलिमेंटल फॉर्म जैसे कि अगर हम बात करें डायमंड की, आपने डायमंड के बारे में सुना है, डायमंड ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आपने ग्रेफाइट के बारे में सुना है, ग्रेफाइट जो है जो पेंसिल्स का लेड है वो ग्रेफाइट ही होता है। और इसके अलावा ग्रेफाइट यूज़ होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, तो डायमंड ग्रेफाइट दोनों का ही काफ़ी यूज़ है, जो कि कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म्स हैं। कंबाइंड फॉर्म में अगर हम बात करें, कार्बन की कंबाइंड फॉर्म में मीथेन आता है, जो कि सीएनजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर पार्ट जो है सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मीथेन है, जो कि कार्बन कंपाउंड है। ऐसे ही अगर हम बात करें एलपीजी की, एलपीजी जो कि हमारे घर में हम यूज़ करते हैं सिलेंडर्स में एज ए फ्यूल खाना बनाने के लिए, उसमें ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन ये भी कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। ब्यूटेन आइसोब्यूटेन एज वेल एज इसमें प्रोपेन भी होता है, ये भी कार्बन कंपाउंड्स हैं। ये तो हम कुछ कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जो हम नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, कुछ ही उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अगर हम एक लिस्ट बनाएं अपने घर में, हम जो जो चीज़ें घर में यूज़ करते हैं, जो सामान हम घर में यूज़ करते हैं, तो आप देखोगे कि उसमें मोस्टली जितने भी, चाहे आप कपड़े देख लो, ठीक है, क्लोथ्स, या फिर आपकी मेडिसिन्स हैं, आपकी बुक्स हैं जो कि पेपर की बनी हुई हैं, एज वेल एज फूड है, उन सभी में ही कहीं ना कहीं कार्बन आता ही आता है। अगर हम बात करें फूड की, फूड जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इन सभी में ही कार्बन एक मेजर एलिमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोथ्स की, क्लोथ्स में कॉटन की अगर हम बात करें, या हम दूसरे भी अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की भी बात करते हैं, तो नायलोन है जैसे, इन सब में कार्बन होता है। मेडिसिन्स में भी कार्बन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स में मोस्टली कार्बन मिलेगा आपको। बुक्स जो कि पेपर से बनी है, और पेपर कहाँ से मिला है हमें, ट्रीज से मिला है, तो ट्रीज में भी जो सेल्स हैं वो उनके अंदर कार्बन होता ही है। एंड मैनी ऑफ थिंग्स जो भी हम घर में यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल हम घर में यूज़ करते हैं, अगर मैं सिंपल सिंपल कहना चाहूँ कि जो हमारी थ्री बेसिक नीड्स होती हैं, थ्री बेसिक नीड्स आप सभी जानते हैं, हमारी थ्री बेसिक नीड्स हैं फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, है ना, रोटी कपड़ा और मकान हम ये बोलते हैं इनको, फूड क्लोथ्स कपड़ा एंड शेल्टर मींस मकान। फूड तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लोथ्स भी मैंने आपको बता दिया, शेल्टर, शेल्टर में घर बनाने में लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो लकड़ी में भी मैंने आपको बताया है, जो ट्रीज होते हैं उनमें भी कार्बन ही होता है, बाकी एलिमेंट्स के साथ। ये नहीं कि सिर्फ कार्बन ही होगा, बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, बट कार्बन जो है उसका एक मेजर हिस्सा होता है इन सभी चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो कार्बन इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले मटेरियल्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो नेचर में मिलता किस फॉर्म में है। आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है। अर्थ क्रस्ट में अगर हम देखें तो कार्बन अलग अलग मेटल्स के कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलता है, जिनको कि हम मिनरल्स कहते हैं, जैसे किसी मेटल के कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा, या हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा, कोल कोयला और पेट्रोलियम जो कि अर्थ क्रस्ट में से हमें मिलते हैं, उनमें भी कार्बन होता है, ठीक है। और ये इस तरह से आप, जैसे हमने ऊपर भी अभी देखा कि डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इतने सारे मटेरियल्स हैं कि जिनका कार्बन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इस तरह से कार्बन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम कार्बन को इतनी डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनमें किस टाइप से बॉन्डिंग होती है, कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं,
आप सबने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्डिंग करते क्यों हैं। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स हैं, व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, है ना। और आप सबने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा थर्ड चैप्टर में, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं आयन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स जो हैं वो मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और आयन्स कैसे बनते हैं, बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस टेक एंड गेन, ठीक है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सोडियम है, सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है। ऐसे ही क्लोरीन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसा ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस इलेक्ट्रॉन को अगर क्लोरीन ले ले तो वो क्लोराइड आयन बन जाता है जो कि नेगेटिव है। और ये जो दो आयन्स बने हैं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को तो सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया और क्लोरीन नेगेटिव आयन बन गया, तो ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि कॉमन साल्ट जिसको कि बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। और ये जो कंपाउंड है ये एक आयनिक कंपाउंड है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। अब जो इन ये जो दो आयन्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है जिसके कारण कि एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। दो जो स्ट्रेंथ है इनकी बॉन्डिंग की वो काफ़ी ज़्यादा है, इसी रीज़न से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी इसी पर डिपेंड करती हैं। इनके बीच में जो स्ट्रेंथ है, बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, उस पर डिपेंड करते हैं इनकी सभी प्रॉपर्टीज़। जैसे आप जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं। ये आपने थर्ड चैप्टर में आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा कि जो भी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई, ठीक है। ऐसे ही आपने पढ़ा कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, ये दो ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इनकी जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो होते हैं इनके स्ट्रोंग बॉन्डिंग के कारण, स्ट्रोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो कि आयन्स के बीच में होती है उनको बांध कर रखती है। और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हैं वो, बिकॉज दे हैव आयन्स, ठीक है, दे हैव चार्जेस इन फॉर्म ऑफ आयन्स। तो जहाँ भी चार्जेस होंगे मोल्टन और एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में ये जो आयन्स होते हैं ये फ्री हो जाते हैं और ये मूव करते हैं जिसके कारण कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन कंपाउंड्स की, तो जैसे हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, तो हम कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को अगर स्टडी करें तो वो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, ना तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ना ही वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड, देयर इज़ नो आयनिक बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन दीज कंपाउंड्स, है ना। तो फिर कौन सी बॉन्डिंग है इनके अंदर, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो जिन एटम्स से मिलकर बने हैं, अगर उनके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं है तो फिर उनमें किस तरह की बॉन्डिंग है जिसके कारण कि वो एटम्स मिलकर कंपाउंड की फॉर्म में बंधे रहते हैं, बने रहते हैं। आप यहाँ पे इससे देख सकते हो उस टेबल में कि जो कार्बन के कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, एसिटिक एसिड फॉर्मूला भी आपको दिया है ताकि आप देख सकें कि इसमें कार्बन है, मेल्टिंग पॉइंट 290 एंड बॉइलिंग पॉइंट ओनली 391। एंड ऐसे ही मीथेन का आप देखो कितना कम है, मीथेन जो कि गैसेस फॉर्म में मिलती है हमें, तो मीथेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सभी के ही, चारों ही कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी कम है और ये दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम इसकी बॉन्डिंग को स्टडी करने के लिए आपको दोबारा से वो रिवाइज करना होगा कि जो दोबारा से वो रिकॉल करना होगा कि एटम्स कंबाइन करते क्यों हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग
ओर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे कि सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, जो ला सॉरी 287। इनकी जो वैलेंस शेल में शेल है उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स देखो, सोडियम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो उसको वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, या फिर वो इसको लूज कर दे तो लास्ट शेल हो जाएगी ये वाली सेकेंड शेल एल, और उस और वो जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट कम्प्लीट कर सकता है एम में अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो सोडियम क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिससे सोडियम का भी ऑक्टेट कम्प्लीट हो गया, सेकेंड शेल इज कम्प्लीटेड एल में, ठीक है। और ये बन जाता है सोडियम पॉजिटिव आयन, और जो क्लोरीन है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है थर्ड शेल में, और इसका भी ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाता है, और ये बन जाता है क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, इन्होंने अपना ऑक्टेट इस तरह से कम्प्लीट किया बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस अब कार्बन में हमें पता चल गया कि आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, तो कार्बन का पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें कार्बन की, तो K में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन को अगर अपना अगर इसको आयनिक बॉन्ड बनाना होता, अगर इसको आयन बनाना होता, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, या तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन 4 नेगेटिव आयन विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, ओके सेकेंड शेल। और अगर ये कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये बन जाता है कार्बन 4 पॉजिटिव आयन विद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल। सेकेंड शेल में तो चारों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए इसके, तो सिर्फ फर्स्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आते नहीं हैं, डुप्लेट ही रहेगा इसका वहाँ पर। के शेल जो है के में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो कार्बन अगर आयन बनाता है बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये उसका उसके केस में ये रहेगा कि या तो वो C4 नेगेटिव आयन बनाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके C4 पॉजिटिव आयन बनाएगा। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। एनर्जी कंसिडरेशन अगर हम देखें, अगर हम देखें कि कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए या गेन करने, दोनों में एनर्जी रिलेटेड होती है, एनर्जी लूज होती है या एनर्जी गेन होती है, ओके। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम रीज़न देखते हैं कि वाई इट कांट फॉर्म C4 नेगेटिव और C4 पॉजिटिव आयन। तो उसके रीजंस जो हैं यहाँ दिए हुए हैं, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव आयन, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है Z=6 मीन्स 4 प्रोटॉन्स आर 6 एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स आर 6, है ना। अगर ये एनायन बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, 6 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। इफ़ इट हैज़ टू फॉर्म, इट इज़ टू फॉर्म C4 नेगेटिव आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर गेन करके अगर ये C4 नेगेटिव आयन बनाता है, तो प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होंगे ना, प्रोटोन का तो ना तो आया कहीं से प्रोटोन, ना ही प्रोटोन कहीं गया, इसने सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक वो न्यूक्लियस जिसके अंदर की ओनली 6 प्रोटॉन्स हैं, उनको 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए ये C4 नेगेटिव एनायन जो है वो नहीं बनाएगा, ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, ओके। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है अपने सेकंड शेल वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लूज़ कर देता है और C4 पॉजिटिव आयन बनाता है, कैटायन बनाता है, तो इसको काफ़ी लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है।
और कार्बन जो है हमारे पास रह जाएगा अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। यहाँ पर इसने क्या किया था, यहाँ पर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इसके पास प्रोटॉन तो वही रहेंगे 6, बट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ओनली 2। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी एनर्जी सप्लाई कर सकें कार्बन को कि ताकि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सके। उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके आयन बनाएगा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बनाएगा। तो अब कार्बन करेगा क्या फिर, आयन्स तो वो बना नहीं सकता, तो वो कंबाइन कैसे करेगा दूसरे एटम्स के साथ। कार्बन इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व करता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कार्बन जो है अगर ये दूसरों के साथ शेयर कर ले, दूसरे एलिमेंट्स आ जाते हैं, कोई बोलता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन तो मैं शेयर करवा दूंगा, एक बोलता है कि 2 मैं शेयर करवा देता हूँ, एक बोलता है कि 1 मैं शेयर करवा दूंगा, तो ये ऐसा नहीं है कि कार्बन सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा ये यहाँ पर। इट विल नॉट टेक देयर इलेक्ट्रॉन्स, ये उनके इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता। हम पढ़ चुके हैं कि इट कांट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो गेन नहीं करेगा ये, सिर्फ शेयर करेगा, उन्हीं के होल्ड में रहेंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिंपल सी आप ये बात सोचो कि आप एक रूम में रह रहे हो, ठीक है, आप उसका जो रूम जो है ओरिजिनली किसी और का है और वो वहाँ पर रह रहा है, आप उसके साथ अगर रूम शेयर कर रहे हो तो शेयर करने से वो रूम आपका नहीं हो जाता है, ठीक है, वो रूम जो है ओरिजिनली उसी का ही रहेगा जिसका पहले था, आप सिर्फ उसको शेयर कर रहे हो, ओके। तो कार्बन जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को जो दूसरे एलिमेंट्स इसको देते हैं उनको सिर्फ शेयर करता है, उनके ऊपर इसका कंप्लीट होल्ड नहीं होगा। तो बदले में कार्बन को क्या करना पड़ेगा, बदले में कार्बन को भी अपने इलेक्ट्रॉन्स उनको शेयर करवाने पड़ेंगे। तो कार्बन अपने ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से दिखा दूं, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी शेयर कर सकता है और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी शेयर कर सकता है। जैसे इसने एक और कार्बन आ गया, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रही हूँ और इसमें सिर्फ वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि अंदर वाली शेल तो कंप्लीट है, इसको तो हमने टच ही नहीं करना है, छेड़ना ही नहीं है, हमने सिर्फ लास्ट वाली शेल देखनी है और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कार्बन के अराउंड दिखाएंगे। अब यहाँ देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसको भी चाहिए। तो हम सिर्फ अभी इस कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कार्बन एटम ने ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इसको भी ये इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दिया, ठीक है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 इसके अपने थे और 5वां ये आ गया, ठीक है, तो 5 हुए, 8 अभी भी नहीं हुए। तो ऐसे ही एक और कार्बन आ जाता है, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करवा देता है। एक और कार्बन आ जाता है, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करवा देता है। ऐसे ही एक नीचे की तरफ साइड भी हम दिखा देंगे, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करवा देता है। अगर मैं इसको सही तरीके से बनाऊं तो ये हो जाएगा, इस तरह से मैंने 4 कार्बन एटम्स दिखा दिए हैं। अभी मैं जो 4 ये रेड कलर में जो कार्बन एटम्स हैं उनके ऑक्टेट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो भी अपना ऑक्टेट इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे जैसे ये सेंटर वाला पर्पल कार्बन कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ सेंट्रल कार्बन एटम की बात करें कि ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर रहा है। ये इन 4 कार्बन एटम्स का 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा, और अब इसके होल्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। तो बदले में इसको भी अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन इन सभी को शेयर करवाना पड़ेगा। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पर होगी, सिर्फ एक ही शेयर नहीं करेगा, दोनों को इक्वल शेयरिंग होगी, एक दूसरे को करवा रहा है और दूसरा पहले को करवा रहा है। इसी तरह से ये 4 कार्बन एटम्स भी किन्हीं दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शेयरिंग दिखाई है कार्बन की कार्बन के साथ, अब मैं आपको शेयरिंग दिखाती हूँ कार्बन की हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन एटम है, इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल तो यही है ना, लास्ट वाली शेल। अगर हाइड्रोजन के साथ हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ओनली 1
और इसकी के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन को सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी फर्स्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन आता है यहाँ पर, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, चार हाइड्रोजन आइटम्स आ गए, चारों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो चारों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को शेयर करवा देते हैं। ठीक है, अब बदले में कार्बन बोलता है कि भाई आप लोग भी मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हो। तो हाइड्रोजन को भी यही चाहिए था, वो तभी करवाएगा इसको शेयर जब वो इससे शेयर कर सकेंगे। तो हर हाइड्रोजन के पास यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो वो उनका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, के शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स। इसके यहाँ पर हम डुप्लेट की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसकी शेल में नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ मैं शो करने के लिए आपको बता रही हूँ, समझाने के लिए कि टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, सिर्फ समझाने के लिए शो किया है यहाँ पर। ओके, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स इनके होल्ड में अब हैं, तो इसलिए इनका भी एक तरह से जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये एटम्स, कार्बन जो है ये दूसरे एटम्स के साथ फोर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, चाहे वो एक एक करके करे चाहे वो दो दो करके करे, तो और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इस टाइप से जो बॉन्डिंग होती है इट इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्डिंग। आपने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी है जो आयंस के कारण होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरह से हुई है? कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हर दो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है, ये एक बॉन्ड की तरफ इशारा करता है। दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इट मींस सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड्स हो गए सिंगल सिंगल? चार बॉन्ड हो गए। इसको मैं इस तरह से दिखा देती हूँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, मींस ईच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कंप्राइजेज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। हर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता जाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के पेयर भी बढ़ते जाएंगे। अगर दो कोवलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर भी दो होंगे, मींस टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर तीन कोवलेंट बॉन्ड है तो तीन ही इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, यानी कि छह इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। तो सिर्फ कार्बन ही नहीं है, यहाँ से आपने ये देखा होगा कि इट इज़ नॉट ओनली कार्बन दैट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। सिर्फ कार्बन ही नहीं है जो कि कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, आपने देखा ना कि जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन के साथ तो इसने भी तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया ना हाइड्रोजन को, तो इन हाइड्रोजन एटम्स ने भी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, सिर्फ कार्बन ने ही नहीं बनाए, तो दूसरे एटम्स भी कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, उनके कंपाउंड्स में भी कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कुछ और कंपाउंड्स की या मॉलिक्यूल्स की जिनमें कि कार्बन नहीं है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब यहाँ आप बिल्कुल ईजिली समझ जाओगे कि आयनिक बॉन्ड यहाँ बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? दो हाइड्रोजन आइटम्स हैं, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन आइटम है तो दोनों सेम है ना, दोनों ही हाइड्रोजन है, दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर की शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन बोल, ये हाइड्रोजन बोल रहा है कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, और ये बोल रहा है कि तू मुझे दे दे, क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन आइटम इक्वल हैं, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी है, ठीक है, और दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो भी सेम है, तो कोई भी दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ना ही दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, जब देगा ही नहीं कोई तो, और दूसरा लेगा भी नहीं, तो क्या इनके पास ऑप्शन रह जाती है, कैसे ये फिर मॉलिक्यूल बनाएंगे? ये मॉलिक्यूल बनाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। इनके पास दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको शेयर करवा देगा और ये इसको शेयर करवा देगा, और ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि शो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, तो आपको क्या करना है, आपको कहीं लिखने की कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो के में वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास वी हैव टू हाइड्रोजन एटम्स, तो आपने उन दोनों को शो कर देना, एक ये
एक ये, और फिर आपने ये बनाया, बस ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में बॉन्डिंग दिखाई है, यहाँ पर हमने बॉन्ड दिखा दिया। तो ये है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें आपको और कुछ ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही सिर्फ आपको दिखाना है। एटॉमिक नंबर बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपने ये बाय इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर्स, इनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की फॉर्म में दिखाते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। तो इस ये आपने बनाना है, और साथ में ये आपने बॉन्ड दिखाना है, तो जिससे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है H2 में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें इन्वॉल्व है। अब हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। O2 मॉलिक्यूल के बारे में आप जानते हो, हम डबल वाला भी देखेंगे, ट्रिपल वाला भी देखेंगे। यहाँ भी आपने वही करना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, आप एटॉमिक नंबर भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो। जेड इज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे वो जाएंगे एल में। अब इट इज़ डिवॉइड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ईच ऑक्सीजन एटम नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन एटम है, हमने दोनों के ही क्या दिखाना है, थोड़ा हम नज़दीक दिखाएंगे, दोनों के ही हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, हमने इनके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने इनके अराउंड शो करने हैं। दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कोई दूसरा एटम नहीं है यहाँ पर, दोनों ऑक्सीजन एटम है सिर्फ, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से चाहिए। अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम की बात करूँ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना दूसरे वाले से, सामने वाले से, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके सामने दिखाने पड़ेंगे, और इसको भी 2 चाहिए सामने वाले से। तो इस ऑक्सीजन के, फर्स्ट वाली ऑक्सीजन के मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, वो हम यहाँ दिखा देते हैं पेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन एटम के हम दिखाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब 2-2 इलेक्ट्रॉन इनके साइड पर हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा। और यहाँ पर आप देखो कि 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक सिंगल बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। O2 मॉलिक्यूल कंटेन्स डबल कोवलेंट बॉन्ड, और दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, जहाँ हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। अब हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से आपने यहाँ करना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ इन के शेल इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन एल शेल इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ईच नाइट्रोजन एटम, क्योंकि 2 ही नाइट्रोजन एटम है और कोई दूसरा एटम है ही नहीं, ईच नाइट्रोजन एटम नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को। तो ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है, इस पहले नाइट्रोजन एटम को भी इस दूसरे वाले से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको अपने भी 3 ही शेयर करवाने पड़ेंगे, इसलिए 3 इसको इसकी तरफ दिखाने पड़ेंगे। अब इस वाले नाइट्रोजन एटम को फर्स्ट वाले नाइट्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको भी अपने 3 ही शेयर करवाने चाहिए पड़ेंगे। तो अगर मुझे आपसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मुझे भी आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवाने ही पड़ेंगे, इसलिए मैं आपकी तरफ 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी और आप भी मेरी तरफ 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे। ठीक है, तो हम दोनों क्या हैं, हम हैं नाइट्रोजन एटम्स। तो इस तरह से हमने
नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन्स। हमने कितने दिखाए हर नाइट्रोजन के? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इनके इस साइड पर या ऊपर की साइड या नीचे की साइड कहीं भी आप इनको दिखा सकते हो। अब आपने क्या करना है, आपने ये 3 इलेक्ट्रॉन सेकेंड नाइट्रोजन के ले लेने हैं। इस सर्कल में कितने आ गए इस सर्कल में, इस नाइट्रोजन के पास फर्स्ट वाले के पास 6 एंड 2 8, ऐसे ही आ गए 8। तो अब दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में कितने पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के? 3 पेयर्स हैं, इसलिए टोटल कितने बॉन्ड्स बने इनके बीच में? 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। देखिए यहाँ पर सेम दिखाया हुआ है, हाइड्रोजन का भी है यहाँ, इसमें एक क्लोरीन का बताया हुआ है Cl2 मॉलिक्यूल के लिए। तो Cl2 मॉलिक्यूल का भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ ब्रीफली बता देती हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 8 7, लास्ट शेल में थर्ड शेल है लास्ट शेल, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल। चलो मैं आपको क्लोरीन का बताती हूँ। यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स हैं ना, और दोनों क्लोरीन एटम्स के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इस ये क्लोरीन पहले वाला दूसरे की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन शो करेगा और दूसरा भी पहले की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। लेकिन टोटल कितने हैं दोनों के पास? 7 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में। तो 7 हमें पूरे ही दिखाने पड़ेंगे। तो एक हमने ये दिखाया और 3 पेयर्स हम बाकी यहाँ पर 3 तरफ दिखा देते हैं। ऐसे ही इस क्लोरीन एटम्स के भी हमने 3 पेयर्स दिखा दिए। तो अब आपने इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी इंक्लूड कर लेना है सर्कल में। कितने हो गए टोटल आप काउंट करोगे? दीज आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम इंक्लूड कर लेंगे तो दीज आर ऑल्सो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो बनता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी देख लिया। ठीक है, हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का भी देख लिया। इसके बाद यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल शो किया हुआ है, अमोनिया बताया हुआ है, तो मैं इनके भी बता देती हूँ आपको। साथ ही साथ मीथेन का भी बताया हुआ है, मीथेन का मैं आपको बता चुकी हूँ CH4 का। लेकिन हम वाटर मॉलिक्यूल, वाटर फॉर्मूला इज H2O, एंड सिमिलरली अमोनिया फॉर्मूला इज NH3। इन दोनों को भी हम देख लेते हैं, इनके भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। H2O, जब दो डिफरेंट आइटम्स होते हैं ना एक मॉलिक्यूल में, तो हमें दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है ताकि हमें समझ आ जाए कि हमें कौन से एटम को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने पड़ेंगे दोनों में से, और दूसरे को कितने करवाने पड़ेंगे। तो पहले हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिख देंगे जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं एटम के सिंबल में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है के में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है के में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ही ऑक्सीजन एटम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, और 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो 2 को कितने रिक्वायर्ड हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल दोनों हाइड्रोजन एटम्स को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं और सिंगल ऑक्सीजन एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। तो ऑक्सीजन क्योंकि सिंगल है हम उसको सेंटर में लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो एक हाइड्रोजन एटम इधर दिखा देंगे, एक इधर दिखा देंगे। अब ऐसा नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में ही शेयर कर लें। अगर ये दोनों आपस में ही, अगर हमने इनको ऐसे दिखा दिया तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स तो आपस में ही शेयर कर लेंगे, तो ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी? और मॉलिक्यूल तो तब बनेगा ना जब तीनों ही आपस में कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरह से। तो इसलिए हमें सेंटर में हम दिखाएंगे ऑक्सीजन और दोनों तरफ दिखाएंगे हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन एटम के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्सीजन से, इसलिए इस हाइड्रोजन एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शो करना पड़ेगा और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शो करना पड़ेगा। ऐसे ही ये ऑक्सीजन भी दोनों की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन हम इसका दिखाएंगे, और बाकी बचे ऑक्सीजन के टोटल हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हमने ये शो कर दिए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे ऊपर और नीचे शो कर देते हैं।
तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो ऑक्सीजन वाले सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्मिंग विद वन हाइड्रोजन एटम एंड इट इज़ फॉर्मिंग अनदर सिंगल बॉन्ड विद अनदर हाइड्रोजन एटम। तो ये H2O मॉलिक्यूल है हमारा। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड सेकंड शेल में L में 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंड फर्स्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन। और टोटल कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं अमोनिया में? 3 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, लेकिन नाइट्रोजन कितना है? सिंगल। तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सिंगल को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और 3 हाइड्रोजन आइटम्स को, एक हाइड्रोजन आइटम को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और 3 को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों की ज़रूरत इक्वल होनी चाहिए ना टोटल मिलाकर। तो हमने ये दिखाया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 है तो 3 साइड दिखा देंगे हम इसके हाइड्रोजन। ईच हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम इसका शो करेंगे हाइड्रोजन की तरफ और बाकी नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हम एक साथ एक पेयर में शो कर देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट कंप्लीट हो गया तीनों का, और ऐसे ही हमारे नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये बन गया अमोनिया मॉलिक्यूल विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन विद ईच हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद ईच ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स इन अमोनिया मॉलिक्यूल। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं दे आर कोवलेंट बॉन्ड। तो इन कंपाउंड्स में हमने स्टडी की है कोवलेंट बॉन्डिंग। ये सभी कंपाउंड्स हैं कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग से। आपके बुक में नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनको बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर्स। पेयर तो हैं ये इलेक्ट्रॉन के लेकिन ये बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं तो ये बॉन्ड पेयर। लेकिन ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है ना जो कि बॉन्ड बनाने में यूज़ नहीं हुआ, ये किसी के साथ नहीं बंधा हुआ या ये अकेला है नाइट्रोजन के पास ही है। जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो तो दो दो एटम्स के बीच में बंधे हुए हैं ना, जैसे यहाँ पर था ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में फिक्स हो गया, ये भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में फिक्स हो गया, ये भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में फिक्स हो गया। लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है ये सिर्फ नाइट्रोजन के पास है, अकेले के पास है इसके पास। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये है हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग जो कि हमने कार्बन के साथ साथ कई दूसरे कंपाउंड्स में भी हमने स्टडी की है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये उतने स्ट्रोंग नहीं होते हैं जितने कि आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो स्मॉल होते हैं, कम होते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज फ्री दिखाई दिया कि जो अलग हो जाएगा। अभी मैंने आपको अमोनिया का बताया है, अमोनिया में आप कहोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो हमने दिखाए, ये 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है नाइट्रोजन के, ये नाइट्रोजन के साथ ही बंधे हुए हैं। आप इनको किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते हो, अगर आप अलग करना चाहते हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये मेल्ट करते ही अमोनिया, अमोनिया तो गैसियस फॉर्म में ही होती है, मान लीजिए कि ये सॉलिड फॉर्म में है, अगर मेल्ट करते ही ये इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तब तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते ही नहीं हैं, इनके लिए तो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। तो इसलिए जो भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि वहाँ ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ही वहाँ पर आयन्स हैं जिनके ऊपर की चार्जेस हों पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड एज कोवलेंट बॉन्ड्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये हमने कोवलेंट बॉन्डिंग स्टडी की इन कार्बन कंपाउंड्स। इसे आप अच्छे से करिए और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके।
थैंक यू।